तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी कुछ तो बता। फ्यूल दोस्तों रिफिल करा दिया जाए, पूरा टैंक फिर से फुल कराएंगे। लगभग गाड़ी 160 किलोमीटर चल चुकी है भैया, फुल कर दो। गाड़ी में तेल डाला 7 लीटर, 7 लीटर में चली 162 किलोमीटर, तो एवरेज आई कितनी आई? एवरेज 23 की एवरेज, 23 की एवरेज मिली हमें पहाड़ों में इस गाड़ी से, जो कि बहुत बढ़िया है। दोस्तों ये रास्ता आ गया बिल्कुल ही गांव वाला, कोई नेशनल हाईवे नहीं, कोई स्टेट हाईवे नहीं, ये है डिस्ट्रिक्ट रोड। जो नेशनल हाईवे है वहाँ पे पुल है, वहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन, उसके चक्कर में पड़ रहा है, वो भी पूरी पहाड़ी घूम के जाना पड़ेगा। तो ये गांव के रास्ते हैं जहाँ पे सड़क नाम की चीज़ नहीं है। पूरे रास्ते में इतना नहीं थके जितना ये 2 किलोमीटर हमें थका दिया। सड़क नाम की चीज नहीं है, इतने बड़े बड़े गड्ढे। ये देखो गाइस प्रॉपर ऑफ रोड, रास्ते पड़ गए यार, 25-30 किलोमीटर हो गया सारा रास्ता ही खत्म हो गया। नाइट आई की एलईडी का कोई जवाब नहीं, जबरदस्त थ्रो है, मतलब दूर से गाड़ी वाले अपने आप हाइड हो जाते हैं। कौन से रास्ते पड़ गए यार, ये रास्ता ही नहीं खत्म हो रहा, ये रास्ता कब खत्म होगा बे। अच्छा ये देख, ये है आम जिंदगी, बहुत ही मेंटो जिंदगी। उसी मत आना है तो भैया इस रास्ते मत आना, इसी गेट से ही जाना है। ये देखो दो फिट के गड्ढे। तो दोस्तों आ चुके हैं हम कर्णप्रयाग और रात को पहुँचे हैं हम यहाँ पे 9 बजे। उसके बाद जाके एक लॉज मिली हमें, बेसिकली यहाँ कर्णप्रयाग में कोई होटल नहीं है, सारी लॉजेस ही हैं, सस्ती सस्ती लॉजेस ही हैं, वो 500-600 में आपको अच्छी तो नहीं, लेकिन ये है कि काम चलाओ, आपको केवल स्टे 5 से 6 घंटे स्टे करना है तो उसके लिए आप खाली आइए सोइए और सुबह सुबह जो है अपनी जर्नी को जाइए। ये है उसके बिल्कुल बराबर में इनके होटल है और उसी के ऊपर लॉज है, ये सबको वही प्रोवाइड कराते हैं। ये अब गए हैं, वो रास्ता इतना ज़्यादा भैया बुरा रास्ता था वो, कि कोई भी जो हल्द्वानी और उधमपुर से मुझे सुन रहा हो तो किसी ने भी कर्णप्रयाग जोशीमठ आना है वो भी रानीखेत के रास्ते, तो कृपया रानीखेत के रास्ते से ना आएँ, आप अल्मोड़ा के रास्ते से आएँ, वो फिर भी बेटर है, थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है लेकिन बेटर है। और सबसे बढ़िया अगर आपने केदारनाथ के दर्शन करने हैं तो आप वाया ऋषिकेश आइए, पूरा का पूरा हाईवे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सामने अपने हेलमेट लग दिए और ये सामान देखिए हमारा कितना सामान है। अच्छा गाइस इस रूम में स्विचेस देखो, ये एक, वो दो, वो तीन, वो चार, वो पाँच, वो छः और ये 7। तो ये 7x7 का रूम नहीं है लेकिन इसमें 7 स्विचेज हैं। इतना सामान तो कार में आता है हमारी, और इतना सामान हम बाइक में रख रहे हैं, बाइक में रख के ले आए हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा। अब खाएंगे खाना। किससे बात कर रहा है? उन्हें को नींद नहीं आती क्या? नहीं नहीं मैं। ये है नदी, इस टाइम जो है इतना फ्लो तो नहीं है और जो लेवल है रिवर का वो भी थोड़ा सा कम ही है, तो रेनी सीजन्स में ये लेवल बहुत ऊपर हो जाता है और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ख़तरनाक आवाज़ आती है। इतनी ठंड नहीं है जितनी गैरसैंड में थी, गैरसैंड में तो इनर भी पहन लिया मैंने, ऊपर रॉयल एनफील्ड की जैकेट भी पहनी हुई थी, तब भी मुझे बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन यहाँ पे जो है टी शर्ट में गुजारा हो रहा है। कर्णप्रयाग शहर है, ये कहने को तो शहर है लेकिन यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है, ना अच्छा होटल है रहने को। तो यहाँ से जैसे आप कर्णप्रयाग शहर में आएंगे, ये शहर का मेन चौराहा है एंड यहाँ पे ऋषिकेश का जो रास्ता है वो सामने ऋषिकेश है,
और इधर की तरफ जाएंगे तो ये बद्रीनाथ और उधर की तरफ ऋषिकेश जाता है। एंड बीच रोड में यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज तो है नहीं, ये खड़ी हमारी बाइक। एंड ये देखो भाई साहब को क्या कॉम्बिनेशन है इनका, निक्कर नीचे बूट्स। आधी रात को कर्णप्रयाग की सड़कों पर घूमते हुए खाने की तलाश में, कहीं ना कहीं तो मिलेगा यार। खैर यहाँ आए थे हम पिछली बार और दे आजा भाई ले आजा 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 तो यहाँ पे अलकनंदा नदी और एक और नदी है उसका नाम बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे इन दोनों का संगम है और यहाँ पे बीच है, ये बीच का रास्ता है। ये पुल के बराबर में एक फुटपाथ जाता है एंड ये है अलकनंदा नदी एंड वो वाली उस नदी का तो मुझे नाम नहीं है और ये है संगम, ये दोनों नदियों का संगम होता है। पिछली बार जब आए थे हम 2 महीने पहले तो वाटर लेवल बहुत ऊपर था, ये जैसे ये पत्थर दिख रहे हैं ये उस टाइम नहीं दिखते थे, पूरा ऊपर तक पानी होता था। लॉज के नीचे जो होटल है मैं वहीं खाना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। पहाड़ों में ना दोस्तों ये बड़ी दिक्कत है, 6-7 मैक्सिमम 8 उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। पहाड़ी शेफ होते हैं, इनके हाथ में टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ये खाना बहुत बढ़िया बनाएंगे। अब फिलहाल चेक करते हैं अंदर जाके कि इनका खाना क्या, 2 महीने पहले जो आए थे और पूरे कर्णप्रयाग में मैं कुछ ढंग का खाना नहीं मिला था, 2 बार खाना खाया था हमने आते वक्त भी जाते वक्त भी। तो हमें एक दुकान मिली थी अम्बे स्वीट शॉप एंड फास्ट फूड, बन टिक्की पकौड़े चाउमीन कोई भी चीज़ आपको चाइनीज़ वगैरह खानी है और इंडियन स्ट्रीट फूड खाना है भैया इससे अच्छा कहीं भी नहीं मिलेगा। सुबह के 8 से लेके रात को बज गए अब 11 और अब भैया बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, पेट भर चुका है, अब तो सोएंगे और सुबह निकलेंगे 6 बजे यहाँ से केदारनाथ के लिए। ये देखिए सुबह का व्यू, अर्ली मॉर्निंग, सुबह के बजे हैं 7, हमने कर दी पैकिंग शुरू, अब चलेंगे रुद्रप्रयाग सोनप्रयाग की तरफ। वो खड़ी हमारी बाइक, फिर उसके बाद चलेंगे। ये कुत्ता तो सुबह सुबह उद्घाटन कर गया, स्टार्ट करी हो गई एक भसूड़ी। वैसे ही फॉर्मली चेक कर रहा था, मैंने कहा जरा कैरियर को देख लें, तो यहाँ पे जो मेन नट था वो हो गया मिसिंग। अब भैया सुबह से जो है ढूंढ रहे हैं मैकेनिक, तो कोई नहीं मिल रहा मैकेनिक सुबह 7 बजे हमें, जिन्होंने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर, एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर, फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर, फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी। कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी अपना पता रात में तेरे खत पढ़ेंगे साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में थोड़ी
शिकायत करना तू थोड़ी शिकायत मैं करूं नाराज बस ना हो ना तू जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी कुछ तो बता दोस्तों की यहाँ पे जो है हमने पार्किंग की पर्ची ले ली है 50 रुपये की पार्किंग है यहाँ पे और अब जो है गाड़ी यहाँ बाइक वगैरह यहाँ पार्क करके मार्केट में जाएंगे और वहाँ मार्केट से पकड़ेंगे टैक्सी जो हमें टैक्सी पहुँचाएगी गौरीकुंड तक जो है ट्रैकिंग का रास्ता है वो लेके वो वहाँ से जाएंगे हम केदारनाथ। यहाँ पे पार्किंग की हालत देखिए जरा पीछे देखे ये भी जो है पूरी पार्किंग है बाइक्स देखिए जरा कितनी बाइक्स है तो जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक बाइक ही बाइक्स है इसका मतलब है बहुत भीड़ होने वाली है ऊपर। बाइक से ना प्यार इतना है ना किसी की बाइक ढकी नहीं होगी। हम अपनी बाइक के टैंक में टॉवल लगा रहे हैं फिर ये तरपाल से पूरी पैक करके जाएंगे। ये लोग खड़ी बाइक में जो ना पंगे बहुत लेते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं यहाँ पे हम सोनप्रयाग। ये है छोटा सा शहर सोनप्रयाग यहाँ से जो है आपको शटल सेवा मिलेगी गौरीकुंड की। यहाँ से ली हमने शटल सेवा ये यहाँ से जाएंगे हम गौरीकुंड। जी 30,000 लोग आ जाते हैं मई जून में 2000 ये कोविड टाइम से पहले और ये अभी तो आजकल आ रहे हैं आजकल मुश्किल से थोड़ा ही हज़ार लोग आ रहे हैं आजकल। तो ये आ गए आप गौरीकुंड यहाँ तक ही होती शटल सेवा। ऊपर से उतरेगा हमारा लगेज और आगे थोड़ा सा आगे वॉकिंग डिस्टेंस में है यहाँ पे होटल्स। तो हम यहाँ पे गौरीकुंड आ चुके हैं और गौरीकुंड से अब हम ट्रैक पे जाएंगे केदारनाथ मंदिर की तरफ। गौरीकुंड में छोटा सा लॉज लिया हमने अपने सारे कपड़े रखे अपने सारा लगेज रखा हेलमेट वगैरह जितने भी सारे गए तो सारा सामान था जो हमने वहाँ रखा जो इंपॉर्टेंट सामान है जैसे जैकेट वगैरह थोड़े गर्म कपड़े एक पेयर एक्स्ट्रा जीन्स एक पेयर एक्स्ट्रा टी शर्ट रेनकोट वगैरह सिर्फ ये हमने सारा जो इंपॉर्टेंट सामान है ये हमने अपने साथ रखा है। थोड़ा सा नाश्ता पानी करेंगे और चलेंगे ट्रैक की तरफ एंड नाश्ता पानी हो गया अब चलने हैं ट्रैकिंग करने शुरू। पूरी मार्केट एरिया चल रहा है गौरीकुंड का यहाँ पे जलेबी बन रही है तो शहर है तो यहीं बीच से ट्रैक ये पिट्ठू आ गए चार जने एक बंदे को उठा के लेके जाता है। ये यहाँ का पहला पड़ाव है जहाँ पे जिसे आप अस्तबलगढ़ भी कह सकते हैं
तो यहाँ से नदी का व्यू देखिए, वहाँ दिख रहा होगा वो देखिए कितना प्रेशर है, अभी पास से भी दिखाएंगे कितना प्रेशर आ रहा है वहाँ से। फिसलन है यहाँ बहुत, पीछे एक झरना आया छोटा सा, गलती से चला गया उसमें पैर, अब पैर गया भीग अंदर तक पूरा, अब चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ भी नहीं लेके आए, बस ये है कि एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स ले आए हैं, इससे गुजारा करेंगे। स्टैमिना तो इन लोगों का होता है, इतने बड़े बड़े घास के चट्टे ये अकेले ऊपर ले जाती हूँ, वो भी करके आए हैं थके हुए हैं। जो भी दूर से आता है दर्शन करके आता है वैसी थकी हारी हालत में आता है। अब हम पियेंगे माउंटेन वाटर, रियल माउंटेन वाटर। 25 से 30 किलो की घास लेकर सुबह से शाम दो तीन चक्कर लगा लेते हैं, इन लोगों का होता है स्टैमिना, और हम जिम करने वालों का बिल्कुल ठोस। क्या बात भैया, इतने डीले डीले क्यों चल रहे हो? जोर से बोलो, जो बोल रहे थे अभी जस्ट ऊपर चढ़ के आप नीचे आओ। अच्छा, ओके भैया। केदारनाथ यात्रा की एक खासियत, सबसे बड़ी खासियत है, आपको हर 100 मीटर बाद एक पानी का झरना मिल जाएगा। वो पानी का झरना ही होता है, वो बहुत ही ज़्यादा पीने लायक होता है, मिनरल वाटर से भी बढ़िया पानी होता है वो। यहाँ के लोकलाइट्स ने ये बात बताई मुझे कि वो जो है यही पानी पीते हैं, और टूरिस्ट से भी यही कहते हैं कि यही पानी पीजिए मिनरल वाटर को। 3 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आपको एक हॉल्ट मिलता है जहाँ पे आप नींबू पानी, जलजीरा वगैरह वो इन्जॉय कर सकते हैं। पूरी संकरी डीप खाई है स्ट्रेट। वैसे आप जब इतने लंबे सफर पर आते हैं तो थकावट तो होती है, लेकिन कुछ फनी इंसिडेंट्स भी होते हैं। तो बैग हमने ऐसे कर लिए थे, तो इस बीच एक कपल आया, कहता भैया मेरे बेबी को भी बिठा लो, तो 2 सेकंड के लिए तो शक्ल ही देखते रहेगा, भैया बोल कह रहा है ये चलो। तो दोस्तों हमारी 4 किलोमीटर की यात्रा जो है पूरी संपन्न हो चुकी है, तो इस दौरान इस यात्रा में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा मुझे, ये ड्रॉबैक सेम वैष्णो देवी की यात्रा हम करते हैं वहाँ भी लगता है, कि जो म्यूल्स होते हैं जिन्हें आप खच्चर कहते हैं उनकी स्मेल आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि बहुत ही स्मेल आती है, पूरे रास्ते जो है आपको स्मेल ही लगेगी। स्मेल से इतनी ज़्यादा अगर कहते हैं एलर्जी है, इरीटेशन होती है, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। मास्क लगा के आप कितनी देर सफ़र कर लेंगे, और सफ़र बहुत लंबा है, मास्क लगा के ज़्यादा सफ़र कर नहीं सकते। जगह ये देखिए झरने कितने बह रहे हैं, ये देखिए एक झरना, ठीक है, फिर वहाँ पे वो दूसरा, वो है तीसरा। जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी पहाड़ों में वहाँ पे आपको झरने झरने मिलेंगे, और ये सारे झरने जो हैं ये मिलके जो है नदी बनाते हैं। भाई शाम के बज गए हैं 6:30, और चलते चलते थोड़ा थक गए, अब थोड़ा रिफ्रेशमेंट का टाइम है, थोड़े से स्नैक्स वगैरह लेंगे, और अब ठंड भी बहुत बढ़ गई है, अब पहनेंगे जैकेट्स और करते हैं आगे का सफ़र कंटिन्यू। दोस्तों हो गए हैं शाम के 7:30, एंड सफ़र जो है 1 घंटे में सिर्फ 1 किलोमीटर चल पाए हम, इतने थक गए थे कि बीच में पावर नैप लेनी पड़ी, कहीं बेंचेस बने हुए थे तो वहीं पे हम लेट गए,
वहाँ पे बहुत बढ़िया पावर है भाई। अब रुके हैं एक जगह, एक छोटे से ढाबे में पराठा खाने के लिए। अब आ गए हैं हम भीमबली, और यहाँ से केदारनाथ बचा 10 किलोमीटर। ये जो लास्ट के 2 किलोमीटर हमने तय करे हैं, ये सिर्फ ये 2 घंटे लग गए थे तय करने में। कभी पैर डूब जा रहा है पानी, तीन बार पैर डूब गया मेरा और गीला हो गया। कहीं पे रुक के आग में पहले पैर सुखाया, जरा शूज़ सुखाया, अब दोबारा जो है ट्रैकिंग करनी शुरू करी है। और रात के बज गए हैं लगभग 9, और अब चलते हैं आगे। चलो भैया क्या बात, हर 2 मिनट बाद रुक जाते हो, क्या हो गया? क्या हो गया बोलो, दर्शकों को कहो ट्राई करके देखें। यहाँ पे आके बोलो ना अच्छे से, क्या कहो, बोलो बोलो, सब दोस्तों को कहो, पहले अच्छे से सांस ले लो फिर बोलो भैया। दोस्तों को आके ट्राई करके देखें एक बारी, फिर पता लगेगा। अच्छा चलो ठीक है भैया जाओ। यहाँ पे जो है आधी रात को कभी कभी जो है भालू भी देखे गए हैं। तो जो रामबाड़ा बीच में एक सेंटर पॉइंट पड़ता है, तो वहाँ पर लोगों ने बताया हमें कि जहाँ पे लाइट कम हो वहाँ पे तो है ध्यान से चलिएगा। और कोई अगर रेस्ट हाउस वगैरह या कोई टेंट हाउस कुछ भी मिल रहा है तो वहाँ पे रेस्ट कर लीजिएगा। अब दोस्तों अब टेम्परेचर हो गया बहुत डाउन, हाथ जो है बिल्कुल जमने लग गए हैं और ग्लव्स भी लाना भूल गए हैं, चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है अभी तो। चलो चलते हैं, बड़े टाइम बाद यहाँ पे कोई चेयर मिली है। और यहाँ से केदारनाथ बचा है 6 किलोमीटर्स, पूरा रास्ता सुनसान और पूरी स्टीप खाई। पिछले 5 किलोमीटर से यही हमारा साथी, पीछे 5 किलोमीटर में 2 घंटे से एक बंदा नहीं मिला, इसकी ड्यूटी लगी है हमें ऊपर तक छोड़ने की। जहाँ हम रुकते हैं ये रुकता है, जैसे ही हम चलते हैं चल पड़ता है साथ हमारे, ये भालू कुत्ता। चलें भाई, पूरे 4 घंटे बाद जाके हमें थोड़ा सा कैंप मिला है और 2 बंदे मिले हैं। दूर दूर तक कोई भी नहीं है। हमें नीचे आधे रास्ते में क्या नाम उसका रामबाड़ा में कुछ लोग मिले, यहीं के लोकलाइट्स, जो कह रहे थे हमसे कि भैया 2 किलोमीटर बाद जाके आपको जो चढ़ाई है वो ज़्यादा नहीं मिलेगी, प्लेन सी हैं वो। तब से लेके अब तक जो है प्लेन्स के अलावा सब कुछ मिल गया हमें। भाई मेरी तो सबको सलाह यही रहेगी कि रात को ट्रैवल यहाँ ना करें, हमारी तो होगी हालत ख़राब। एक तो टेम्परेचर है बहुत कम, ऊपर से 5 घंटे 4 घंटे में कोई इंसान नहीं मिला दूर दूर तक। नीचे से जब शुरुआत करी थी तो 6 किलोमीटर तक टोटली शॉप से ही सब लोग भी थे, लेकिन जैसे ही हम ऊपर आए आधे रास्ते के ऊपर हमें एक इंसान नहीं मिला। एक इंसान तो छोड़ो, एक कैंप नहीं था, कोई एक टेंट भी नहीं था। इधर देखो जितनी नीचे देख पाओ उतनी नीचे खाई, और इधर देखो जितना ऊँचा देख पाओ उतना ऊँचा पहाड़। लिटरली बहुत स्केरी था, बहुत स्केरी था। रात को 10 से 11 बजे के बाद आप यहाँ ट्रैवल ना ही करें तो अच्छा है। हम जो दोनों हैं काफ़ी डरते डरते आए हैं। चलो चलो बढ़ते चलो, कोई बात नहीं, आधा किलोमीटर बचा बस। तो गाइस यहाँ आ चुके हैं हम केदारनाथ धाम। ये हैं पूरे कैंप्स, पूरे टेंट्स, डोरमेट्रीज, और यहाँ से जस्ट सीधा आधा किलोमीटर मंदिर है, हम वहीं चल रहे हैं। हमारा सफ़र हो गया टोटल 4 बजे चले थे, बज रहे हैं 2:30, 10.5 घंटे का। लीजिए दोस्तों करिए दर्शन
किन्ना था केदारनाथ बाबा जी के, तो बोला भी नहीं जा रहा अच्छे से, इतनी ठंड है। 11 घंटे के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। रात में बहुत ही खूबसूरत लगता है मंदिर, बिल्कुल पर्पल वाइट लाइट्स में। हालत ख़राब है, चलिए बाकी की बात सुबह करते हैं।